Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel which is Mobina Sayed's Life. So आज का मेकअप रहेगा हमारा नाइट मेकअप, जैसे कि आपने देखा ही था मेरा मेकअप इससे पहले का, दैट इज़ डे मेकअप, कि हमें डे मेकअप कैसे करने चाहिए और क्या ट्रिक्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारा मेकअप बिल्कुल भी ओवरडू ना लगे. सो आज हम नाइट मेकअप के बारे में बात करेंगे. हम लोग देखेंगे कि क्या ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन द मेकअप जिससे हमारा मेकअप बिल्कुल भी ओवर ना लगे और इट लुक्स गुड ऑन द स्किन, एंड स्पेशली हाउ टू मेक आवर स्किन ड्यूई इन नाइट मेकअप्स. सो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ऑलरेडी मेकअप करा हुआ है. ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया मैंने, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी दोज थिंग्स सो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस, प्लीज़ स्किप मत करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग मेकअप करने वाले हैं. सो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं वो होता है मॉइस्चराइज़र. और आप जैसे कि देख रहे हो, अभी मैंने फ़िलहाल कुछ भी अपने स्किन पे यूज़ नहीं किया अपार्ट फ्रॉम लिप बाम. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डे और नाइट मेकअप में देयर इज़ अ डिफरेंस. नाइट मेकअप में अगर हम थोड़ा ओवरडू भी हो जाते हैं अपने मेकअप के साथ तो वो इतना एक्स्ट्रा नहीं दिखता है, एंड थोड़ा सा हाईलाइट या फिर थोड़ा सा यू नो ग्लोई ड्यूई लुक आपके फेस पे रात में कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा लगता है. सो जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट मेकअप स्टार्ट करने के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट वे करने वाले हैं. तो बिफोर मॉइस्चराइज़र मैं अपने फेस को हमेशा कोई भी स्किन ऑयल लगाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज रात में वो ड्यूई लुक क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प करता है. सो टुडे आज हम लोग जो ऑयल यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ नायका का स्किन पॉलिश गोल्ड, इफ़ यू कैन सी राइट. सो हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग अप्लाई करेंगे दैट इज़ आर सीरम. और हमेशा याद रखिएगा कि ऑयल को हमेशा थोड़ी सी क्वांटिटी ही लेनी है, लाइक 2 to 3 ड्रॉप्स एंड दैट्स इट. बिकॉज अगर आप ज़्यादा उसको फेस पे रब करोगे सो थोड़ा सा ऑयली लुक हो जाएगा. सो इतना ही करना है जिससे आपके स्किन को वो ड्यूई लुक देने में हेल्प करे, ना कि ऑयली लुक देने में. अभी फेस पे इतना ऑयल दिख रहा है बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम जैसे जैसे मैं मेकअप करूँगी वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड मुझे नायका का ये गोल्ड का थोड़ा ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मैं मोस्टली यही प्रेफर करूँगी आपको भी, अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हो कोई भी नायका का, सो यूज़ अ स्पेशल गोल्ड वन. मैंने आपको बताया इसमें काफ़ी वेरियंट है. जो सेकेंड मेरा स्टेप होगा ऑफकोर्स दैट इज़ मॉइस्चराइज़र ओनली. सो द सेम वन बिलोरा का मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी आज भी, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छा ड्यूई लुक आप क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने इसको यूज़ किया होगा या करते हो सो ये आपको पता होगा ऑटोमेटिकली आपको इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र जैसे इसमें लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली कुछ ग्लो आपके नोज़ या फिर चीक्स एरिया पर आपको देना ऑटोमेटिकली सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाने पर ही दिखने लगता है. सो अगेन गोना यूज द सेम बेलोरा वन. सो जस्ट डन विद द मॉइस्चराइजर एंड ऑयल. अनदर थर्ड स्टेप इज हमारा प्राइमर. सो प्राइमर भी हमारा सेम होने वाला है, दैट इज़ अगेन कलर बार का. इसको भी सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स पर ही लगाना है, एंड कोशिश करिए जिस एरियाज पे आपको लगता है कि काफ़ी रिक्वायरमेंट है कवरेज स्मूथ देने के लिए, सिर्फ उस जगह पर. मुझे ऐसा लगता है मुझे इस एरिया पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कंपैरेटिवली अदर स्किन. मेरे पास जितना भी लेफ्ट ओवर रहता है फिंगर्स पर मैं वो ऐसे ऐसे करके अप्लाई कर लेती हूँ, दैट्स इट. सिर्फ इतना ही प्राइमर आपको यूज़ करना है, दैट्स इट. रिमेंबर गाइस, इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके आपको ओवरडू नहीं करना है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी अप्लाई करोगे तो थोड़े टाइम बाद आपका फेस ऑयली और क्रैकी भी दिखना स्टार्ट हो जाता है.
सो आई एम डन विद दिस प्राइमर एंड बेस जो हमारा होने वाला है फाउंडेशन से पहले. ओके, अब बात करते हैं फाउंडेशन की, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइस. मैंने आपको डे मेकअप में बताया था कि मैं शुगर का ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज इसमें जो कवरेज है वो इतना हैवी नहीं मिलता और वो लाइट ही रहता है. बट अगर हम रात की बात करें तो रात के टाइम हमें थोड़ा सा कवरेज वाला फाउंडेशन ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी अच्छा ड्यूई लुक में आपको हेल्प करता है. सो टुडे आई एम गोना यूज़ दिस हुडा ब्यूटी का द स्टिक फाउंडेशन. इससे पहले गाइज मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का, बट वो लिक्विड फाउंडेशंस मैंने यूज़ किए हैं. अभी मैंने स्टिक, टुडे आई एम गोना यूज़ दिस, तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है. होपफुली अच्छा ही होगा. अगेन आप उसको पहले से ही ज़्यादा क्वांटिटी मत लगाइए, डिपेंड्स आपको कैसा कवरेज चाहिए आप उसको. जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि मैं हमेशा फाउंडेशंस को बहुत ही लाइट कवरेज के लिए ही यूज़ करती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं होती अपने फाउंडेशंस के साथ भी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जितनी स्किन आपकी ब्रीथ करती है उतना ही आपका स्किन अच्छा दिखता है. अगर आप लेयर्स टू लेयर्स अप्लाई करते हो फाउंडेशंस की, तो आपकी जो रियल स्किन होती है वो कहीं जाकर यू नो ब्रीथ नहीं कर पाती है, एंड वो एक्स्ट्रा दिखने लगता है थोड़े टाइम बाद आपका फाउंडेशन, अगर आप उसको ओवरडू करते हो चीज़ों के साथ. तो जितना भी लेफ्ट ओवर पार्ट है मेरा वो स्पंज में मैं आईज के ऊपर लगा लेती हूँ. लाइक द प्रोडक्ट यार, मतलब इट्स गुड और ईजी टू अप्लाई. आपको फास्ट फास्ट अगर फाउंडेशन अप्लाई करना है और आपको लगता है कि कोई अच्छी ब्रांड जो आपको दे सके, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी अगर आप कोई हैवी कवरेज के लिए जाना चाह रहे हो तो गो फॉर हुडा वन, क्योंकि इसमें आप जितना भी अप्लाई करना चाहो, बिकॉज अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी कम है और थोड़ा सा और अप्लाई करना चाहिए तो आप लेयरिंग कर सकते हो अपने फाउंडेशन के साथ. सो आई एम डन विद द फाउंडेशन गाइस. सो अभी तक मुझे अपना मेकअप सही सेटल लग रहा है. सो आफ्टर मे फाउंडेशन मैं अप्लाई करूँगी अब तक कंसीलर. मैंने आपको कंसीलर बताया है मैं डे टाइम्स में मोस्टली एलिगल का ही यूज़ करती हूँ, बट मैं जैसे नाइट का मेकअप के लिए थोड़ा सा कवरेज वाला मेकअप अप्लाई करती हूँ, तो उसके लिए मैं मिलानी का यूज़ करने वाली हूँ अपना कंसीलर. मैं नाइट्स में थोड़ा सा लाइटर टोन यूज़ करती हूँ अपने कंसीलर का, बिकॉज वो थोड़ा सा हाईलाइट आपके फेस को करते हैं. अगेन वेरी वेरी लेस अमाउंट. व्हाटएवर द लेफ्ट ओवर पार्ट इज मैं उसको आईज के ऊपर लिड्स पर लगा लूंगी. सो आई एम डन विद द आईज. ओके, अब नाइट में जो हम कर सकते हैं अपने कंसीलर के साथ टू मेक आर मेकअप मोर ग्लैमरस, दैट इज अंडर आईब्रोज. इस तरीके से अप्लाई द डॉट्स दिस एरिया एंड दिस.
एज यू कैन सी मेरा मेकअप बेस पूरा कंप्लीट हो चुका है विद एवरीथिंग, फाउंडेशंस एंड कंसीलर्स एंड ऑयल एंड मॉइस्चराइजर. सो आई एम लाइकिंग द स्टिक. आई मीन आई रिकमेंड यू गाइज, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं एंड यू लाइक माई मेकअप, सो टुडे आई यूज दिस हुडा ब्यूटी का स्टिक फाउंडेशन. ओके, अब बात करते हैं हमारे लूज पाउडर की. सो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा मेकअप का, आफ्टर फाउंडेशन वी नीड टू अप्लाई दिस लूज पाउडर. आई हैव शोन यू, इट इज़ द शुगर का लूज पाउडर. सो अंडर आई सबसे पहले तो That's it. Then आई शेड्स के लिए मैं बिलोरा का पैलेट यूज़ करूँगी फॉर द बेस, बिकॉज मुझे इसका जो शेड है लाइट वाला वो परफेक्ट लगता है बेस देने के लिए. सो आपको दिखा देती हूँ पहले तो मैं कौन से शेड्स आज यूज़ करने वाली हूँ. फॉर द बेस आई एम गोना यूज़ दिस, एंड फॉर द क्रीज लाइन आई एम गोना यूज़ दिस शेड. ओके, रिमेंबर जैसे ही आपको आई शेड्स लेने हैं यू हैव टू ब्रश आउट. ओके, सो वेरी लेस अमाउंट, बिकॉज बेलोरा का जो आई शेड है वो काफ़ी पिगमेंटेड है. सो इट्स गुड कि आपको ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी पड़ती है, वन और टू स्ट्रोक्स में ही आपका आई शेड कम्प्लीट हो जाता है. ओके, सो आई हैव टोल्ड यू फॉर द क्रीजिंग आई एम गोना यूज ब्राउन शेड. बेलोरा के साथ साथ आई एम गोना यूज टुडे दिस कलर बार का कलर बोर्ड का आई शेड पैलेट. इट इज़ गुड और इसमें काफ़ी शेड्स हैं, और आई मीन अगर आप ग्लिटर्स के काफ़ी यू लाइक ग्लिटर्स तो यू कैन गो ऑन दिस शेड. इसमें काफ़ी शेड्स यू कैन सी गाइस, काफ़ी सो मैनी शेड्स आ गए, सो मैनी. सो सबसे पहले मैं आज थोड़ा सा ऑरेंज टोन ले जाने वाली हूँ, लाइक इफ यू कैन सी दिस शेड एंड दिस टैन ऑरेंज कलर. For the glitter, I'm gonna use in the shade of orange tone. See, अगर आप देख सकें तो this one. Yeah. And with the eye shade, the left part is. और try use to on golden thing, you know. गोल्ड फेस या फिर थोड़ा सा गोल्ड टोन आपको आई लिड्स के कॉर्नर्स पे दे सके. सो आई एम जस्ट डन विद द आई शेड, आई गेस इट्स लुक गुड. या सो अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, लाइनर. ऑफ कोर्स लाइनर. So today I'm gonna use this Lakme का
iconic. So done with the eyeliners and eyeshadow. Now time for the lashes. So for the lashes, आज हम लोग falsies Maybelline का use करेंगे. काफी अच्छा dramatic look देता है. Without eyelids आपको काफी अच्छा effect लगेगा. Done with the eyeshadow and liners and mascaras. So last part is white kajal underline. वाइट काजल इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, जैसे ही आप यू नो जैसे आप अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली इन्हांस कर देती है आपकी आईज़ को और ब्यूटीफुल दिखते हो आप. सो आई प्रेफर वाइट काजल्स एंड डिपेंड्स ऑन यू गाइज, आपको ये मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको अगर पसंद है वाइट काजल लगाना तो ही आप लगाइए, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट. एंड द ब्राउन काजल इज गोना तो कंटूर के लिए मैं मेबेलिन का ही पैलेट यूज करने वाली हूँ. सो इस पैलेट में आप देख सकते हो आपको ब्लश, कंटूर और हाईलाइट तीनों चीजें ही मिलती हैं. दिस एरिया, ये चीक्स पर, दिस आप यहाँ से एक लाइन, वेरी इनविजिबल लाइन आप ड्रॉ करके उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो फॉर द कंटूर एंड for the nose also. So for the nose I will use this गाइस. मैं इससे ज़्यादा कंटूर नहीं करती एंड डिपेंड्स लोग कैसे प्रेफर करते हैं. बहुत से लोगों को दे लाइक गेट कंटूर बट आई पर्सनली आई डोंट लाइक गेटिंग कंटूरिंग एंड एवरीथिंग. तो अदरवाइज आपको ये एंगल ब्रश ही लेना चाहिए कंटूरिंग के लिए, यू आर इनटू कंटूरिंग एंड एवरीथिंग. सो आफ्टर गेटिंग कंटूर व्हाट आई विल यूज इज हाइलाइटर. So for the highlighter, I'm gonna use the highlighter and yeah, see the difference after contouring my nose. I mean it looks more slim and more good. Yeah. Okay. So for the blush, I'm gonna use this L'Oreal ka blush on. Very less amount over here and over here and mix it with the brush.
the last step is the highlighter. So for the highlighter, I'm gonna use this Revolution ka highlighter. So it just add. Good on your skin, guys. रात नाइट मेकअप्स की सबसे बेस्ट पार्ट जो होती है ना वो ये होती है कि आप किसी भी चीज़ से अगर ओवरडू हो भी जाते हो इट गेट हाईलाइट्स तो वो हाईलाइट हो जाता है और वो इतना और नहीं लगता. सो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट जो लगता है नाइट मेकअप में दैट इज दिस ओनली. यू टेल मी, आपको कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आपको नाइट मेकअप्स या फिर डे मेकअप में दोनों में से सबसे बेस्ट मेकअप टाइम कौन सा लगता है जिसमें आपको पूरी फ्रीडम होती है, जितना भी मेकअप कर लो इट विल नॉट लुक बैड ऑन यू. सो अब लास्ट स्टेप इज आर लिपस्टिक. सो बिकॉज थोड़ा सा विंटर्स चालू हैं एंड विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा यू रिक्वायर्ड मॉइस्चराइजर्स एंड लिप बाम, तो मैंने ऑलरेडी यूज़ तो किया है लिप बाम बट देन मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड मोर लिप बाम ऑन माई लिप्स बिकॉज वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है. या सो जैसे मैंने आपको बताया ऑलवेज प्रेफर मिक्सिंग कलर्स. तो सबसे पहले मैं कलर बार का यूज़ करूँगी दिस प्रिटी प्लीज शेड. एज आई हैव टोल्ड यू कि माय ट्रिक इज टू मिक्स द कलर विद द फिंगर. इसका बेस्ट पार्ट ये होता है अगर आप फिंगर से मिक्स करते हो कलर को तो जितना भी यू रिक्वायर्ड ओनली दिस मच विल बी देयर ऑन योर लिप्स एंड दैट्स इट. एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लगता आपके शेड्स. एंड द फाइनल शेड इज नायका का मिस्टिया. So yeah, I'm done with the makeup. This is my final look. So this kind of makeup look good on your skin, especially on night times. And it is good for night makeups only because इतना extra makeup अगर आप day में apply करते हो तो it look odd little bit. But जब वो night में आप makeup इतना apply करते हैं it looks really good on your skin. And the best part is कि आपकी photo shoots जो आप करते हो तो बहुत अच्छी photography भी आप कर सकते हो अपनी pics के साथ. सो गाइज़ जैसे कि आपने देखा है मैंने पूरा मेकअप कैसे मैं नाइट में करना पसंद करती हूँ, कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ नाइट में. सो जैसे भी मैं करती हूँ पर्सनली मैंने वो सब आपको बताया है. अगर आप मेरे मेकअप को लेकर थोड़ा सा भी यू नो यू फील कि या अच्छा मेकअप था या फिर ये ट्रिक्स मेरे काम आएंगी जो भी है अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ लाइक द वीडियो. एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा या ख़राब जैसा भी लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए दैट हाउ यू लाइक द मेकअप एंड एवरीथिंग. और कुछ भी इश्यूज आपको लगते हैं जो बेटर तरीके से हो सकता है सो प्लीज़ टेल मी बिकॉज आई एम नॉट द परफेक्ट वन. मैं भी सीख रही हूँ और शायद आपके साथ रहकर मुझे जो भी मेरे अंदर फॉल्ट्स हैं वो पता चल जाएंगे. सो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए. अगर पसंद आए गाइस तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.